दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग कुपोषण दूर करने लगातार अभियान चलाने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी जिले में कुपोषण के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। जिले में इस साल 12.10% बच्चों का वजन कम है, तो वहीं 9.28% बच्चों की हाइट कम है। खास बात यह है कि कुपोषण दूर करने बीते साल विभाग ने पोषण आहार व विविध कार्यक्रमों के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में विभागीय कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष केश चौहान ने इतना शिक्षित जिला होने के बावजूद कुपोषण की ऐसी स्थिति का मुख्य कारण कुप्रशासन और लचर व्यवस्था बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। वजन त्योहार की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा दुर्ग जिला बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें हमारे बच्चे 10,566 बच्चे अंडरवेट पाए गए हैं, मतलब औसतन वजन से कम पाए गए हैं। लगभग 12.1% बच्चा कम पाया जा रहा है वजन के हिसाब से, और लगभग 9% बच्चे जो हैं वो अंडर हाइट पाए जा रहे हैं, जिनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा सीधा जो संबंध है वो हमारे पोषण से है, भोजन से है। जब महिला बाल विकास के अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो बहुत ही हास्यास्पद जवाब देते हैं कि वो बोलते हैं कि जो माँ बाप हैं वो अपने खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और हम आंगनबाड़ियों में गर्म और पौष्टिक आहार भेज रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो बच्चों का इतना ज्यादा कम वजन क्यों है? और इसमें धमदा सबसे नंबर वन में है, उसमें लगभग 19% बच्चे अंडरवेट हैं। तो धमदा और भिलाई के दो जिसमें इलाके में आते हैं, भिलाई 3, चरोदा, जामुल, इन इलाकों में भी बहुत कुपोषित बच्चे पाए गए हैं, जो कि कुपोषण के कारण ही बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और इसका दिमाग में भी बहुत उसको सुचारू रूप से चलवाने में हमारी मदद कर सके, लेकिन उसके बावजूद हमारे को भी सजग खाते ताकि उनका वजन के और दूसरी चीजों में जो अपने शरीर की जो राजनीति है उसको छोड़ के व्यवस्था में लगे, क्योंकि जो जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो इसलिए दी थी कि आप हमारा संरक्षण कर सके और जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलवाने में हमारी मदद कर सके, लेकिन उसके बावजूद हमारे को भी सजग रहना पड़ेगा अपने बच्चों की खाते ताकि उनका वजन कम ना हो, और उनके खान पीन में भी ध्यान देना पड़ेगा, और हमारे को यह भी सजग रहना पड़ेगा कि आंगनबाड़ियों में कैसा भोजन आ रहा है तो हम खुद भी चेक करें, और अगर कुछ ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो नजदीकी जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल लिखित या मौखिक रूप से हम इत्तला करें।